सिंगरों में जब रेटिंग की बात आती है तो फिर आई वुड लाइक टू से कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब हम किशोरदा की तरह या सोनू निगम की तरह या रफ़ी साहब की तरह वी आर नॉट गोइंग टू टेल अ सिंगर दैट आप ऐसा भी गाओ या वैसा भी गाओ. जो ये लेजेंडरी सिंगर्स जितने भी हैं वो गा सकते हैं. लाइक यू टेल सोनू निगम टू सिंग एनी सॉन्ग ही कैन सिंग. बस एक सिंगर जिसका 19 से लेके अभी तक वॉइस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है. बस एक सिंगर जिसने स्टूडियो से लेके लाइव परफॉर्मेंस आप जहाँ भी सुनिए आपको लगेगा सेम टू सेम वॉइस है, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोनू निगम के बारे में. आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बाकी जो सिंगर है वो कैसे तारीफ करते हैं, उनका क्या रिएक्शन है सोनू निगम के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उदित नारायण सर का क्या कहना है सोनू निगम सर के बारे में. सोनू जी ने मेरी बहुत तारीफ की. ये मेरे छोटे भाई हैं. मुझे अभी तक याद है कि मैं दिल्ली में 90 में माधुरी दीक्षित जी और सभी कलाकारों के साथ मैं कोई अवार्ड फंक्शन में था जी. और आप कितने 13-14 साल 15 साल के होंगे. एक लड़का पैंट शर्ट पहन के आया और बखूबी से ऐसा परफॉर्मेंस किया वहां, इस तरह की बातें की कि सब हैरान थे. और मेरे मन में उसी वक्त आया कि ये बड़ा शातिर लड़का है. उसी वक्त दिल्ली में मुझे ये लग गया था कि ये लड़का बंबई आएगा और हम सब की बैंड बजाएगा. अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा क्या सोचते हैं सोनू निगम सर के बारे में. चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मेलोडी क्वीन श्रेया घोषाल क्या कहती है सोनू निगम के बारे में. ऑडियंस चाहती है हमेशा कि इस कॉम्बिनेशन में गाने और आए. आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वे दैट आवर वॉइसेस हैव बीन रियली लव टुगेदर. और आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सिंगिंग विथ हिम. मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ और मैं उनको बहुत अरसे से जानती हूँ. व्हेन ही वाज इन सारेगामा एंड आई वाज अ कंटेस्टेंट, so I have looked up to him as a singer and today I get to sing with him such beautiful songs. It's just every song is a learning experience. Aur log pasand karte hain. Superstar Shahrukh Khan ka kya kehna hai Sonu Nigam ke bare mein. Kaun se aise singer ke bahut bade fan hain and unka kaun sa gana aapne kisko kabhi agar dedicate kiya hai to wo kaun sa gana hai and wo singer kaun hai. तो सुभाष जी ने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा सिंगर है लड़का और ये तुम्हारे लिए गाना गा रहा है. एंड आई रिमेंबर हमारे पास वक्त नहीं था उस वक्त और हम शूटिंग करने जा रहे थे तो मैं एयरपोर्ट जा रहा था. और इसलिए नहीं कि मैं स्टार हूँ और मैं शूटिंग कैंसिल करके जा रहा था, इसलिए भी एक्चुअली. तो सुभाष जी ने कहा रहने दे लाडले, तो फिक्र मत कर, एयरपोर्ट जाते जाते हम गाना कर लेंगे. तो वो जो पूरा गाना है हमने शूट किया है एक्चुअली मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ते हुए. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स वन ऑफ योर फर्स्ट फ्यू सॉन्ग्स. And at that point in time, I found his voice very different, not like the great Sonu we know right now. And मुझे पहले शुरू में ऐसा लगा यार ये क्या आवाज़ है, मैंने तो सुनी नहीं है क्योंकि हमारे लिए जो गाते थे वही गाते थे उस वक्त. But by the time I got back to Mumbai, this song was Dil Deewana, ye Dil. And I'll be honest, a lot of the energy that I bring into my songs started coming from there. So I'm a big Sonu fan and I'm saying it genuinely, not because you understand. अब चलिए हम आपको दिखाते हैं अरमान मलिक का क्या सोचना है सोनू निगम के बारे में. Were two people actually. First was my dada Shri Sardar Malik and second was Mr. Sonu Nigam. Because when I heard his voice, I said, you know, this is just magical. And you know, I want to be able to do that because Sonu ji had captured everyone's hearts when he came with you know, Deewana and Sandeh Se Aate Hain and all those amazing songs. I said, you know, I want to be able to do that to people, you know, just enthrall everyone with your voice and just make everyone fall in love. I think it's a crazy ability that he had and he still has. I was a big fan of that and that's the reason he is my biggest inspiration. Ab chaliye hum aapko dikhate hain Shan ka kya reaction hai Sonu Nigam ke bare mein. Among my contemporaries, all of them are all brilliant. I think, you know, they're all very hard working, they're all, you know, they got their unique styles. And in fact, another confession, I was partying with one of our one of probably arguably the most favorite singer of the country, Sonu Nigam. Ab chaliye hum aapko dikhate hain
अरिजीत सिंह का क्या रिएक्शन है सोनू निगम के बारे में? सोनू निगम का गाना है, प्लीज माफ कर देना, मेरा औकात नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुए हैं मेरे साथ, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सोनू निगम के साथ मैं पहली बार जब मिला, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं सपना देखता था कि सोनू निगम के साथ मैं बात करूंगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं सुरेश वाडकर क्या सोचते हैं सोनू निगम के बारे में। भूत बोलता हूँ ना कि हमारे युग में एक मिला हुआ ये कोहिनूर हीरा है हमारी इंडस्ट्री को, और जो ये काम करता है, आज तक के जितने भी प्लेबैक सिंगर्स को आपने सुना होगा, किशोरदा फिर भी थोड़े से मोमेंट्स करते थे स्टेज पे, मगर इतना विगरसली डांस करके जिस तरह ये गाता है और वो पक्के सुर में उसके गले से चीजें निकलती है, ये फिनोमिनल है। ऐसा करना किसी की भी बस का। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं हिमेश रेशमिया क्या सोचते हैं सोनू निगम के बारे में। जब रेटिंग की बात आती है तो फिर आई वुड लाइक टू से कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब हम किशोरदा की तरह या सोनू निगम की तरह या रफ़ी साहब की तरह, वी आर नॉट गोइंग टू टेल अ सिंगर दैट आप ऐसा भी गाओ या वैसा भी गाओ। जो ये लेजेंडरी सिंगर्स जितने भी हैं वो गा सकते हैं, लाइक यू टेल सोनू निगम टू सिंग एनी सॉन्ग ही कैन सिंग। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं अलका याग्निक का क्या रिएक्शन है सोनू निगम के बारे में। एक्चुअली कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है सोनू को, ही डजंट नीड एनी एडवाइस, ही इज एब्सोल्युटली रॉकिंग, ही इज डूइंग ग्रेट वर्क, एंड आई थिंक हिज वॉइस हैज, उसकी जो आवाज है और सिंगिंग है उसमें वो क्वालिटी है विच विल मेक हिज वॉइस एज इमॉर्टल एज आई वुड से समवन लाइक रफी साहब, यू नो। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि के सर का क्या वोटिंग करते हैं, मतलब क्या रिएक्शन है उनका सोनू निगम के बारे में। Who is the better singer? सोनू निगम, के? I think Sonu. Very humble. You believe that? Yeah, because I think he's really very good. He's been around for a long time and he's really very good. I like it. 19th के मेलोडी स्टार यानी कि मेलोडी किंग कुमार सानू सर का क्या कहना है सोनू निगम के बारे में। हमने बहुत सारे सिंगर्स के साथ गाए, जैसे आपने उदित नारायण जी है, अपना सोनू जी है, इन लोगों के साथ गाए हैं, तो दे आर ऑल गुड सिंगर्स। बहुत अच्छा लगा हमको गाते हैं, बहुत अच्छा हमारा दोस्ती भी बहुत अच्छा है। क्या हाँ, उदित जी तो बहुत ही प्यार करते हैं मेरे को। हमारी दोस्ती बहुत जबरदस्त है। उदित जी स्पेशली खास करके मेरे को बहुत प्यार करते हैं, और पता नहीं उनका इतना प्यार क्यों है मेरे पे। और दूसरी बात है, सोनू जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है। बाकी शान से लेके जितने भी सिंगर्स हैं, ये ऑल मेरे साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं और बहुत गले मिलते हैं हम। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करिएगा, और भी किस किस सिंगर पे आप ऐसा रिएक्शन चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।